हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल अगेन सूरज ट्रिपल सी तैयारी। आज के इस वीडियो में मैंने ट्रिपल सी संबंधित जो अक्टूबर मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो आप सभी लोगों के लिए बेहद ही उपयोगी होंगे। पहला क्वेश्चन है, इज़ द इनकमिंग ईमेल सर्वर --- इज़ द इनकमिंग ईमेल सर्वर, यानी कि ईमेल सर्वर कौन होता है, यानी जो मैसेज इनकम होता है, इनकमिंग होते हैं, यानी जो ईमेल आपके इनबॉक्स में आके सेव होता है, वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा पॉप, यानी कि POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज लीस्ट अफेक्टेड बाई एडिशन और रिमूवल ऑफ ए नोड, यानी कि वो कौन से टोपोलॉजी है, वो कौन से टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर अगर रिमूव किया जाए या ऐड किया जाए तो नेटवर्किंग पर इफेक्ट पड़ता है। उसका करेक्ट आंसर है रिंग टोपोलॉजी, यानी कि रिंग टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें अगर सिस्टम कोई आपको नया ऐड करना है या हटाना है तो उस नेटवर्किंग पर इफेक्ट पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइन्स, यानी कि फ़ोन लाइन्स जो होती हैं आपकी जो कॉलिंग करते हैं वहाँ पे कौन सी नेटवर्किंग वर्क कर रही होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW के फादर कौन है। उसका करेक्ट आंसर होगा टिम बर्नर ली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउज़र, निम्न में से ब्राउज़र कौन नहीं है, वेब ब्राउज़र कौन नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा। तो हम सभी लोग जानते हैं, हमने पहले भी बताया है कि नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा ये सारे वेब ब्राउज़र होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो होता है वो सर्च इंजन होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग पहला ऑप्शन जो है वही ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ FTP प्रोग्राम यूज फॉर, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किस लिए किया जाता है। तो हम पहले भी बताए हैं कि ट्रांसफ़र फाइल्स, यानी कि सर्वर से जो हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं वहाँ पर हम FTP का यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि ट्रांसफ़र फाइल्स टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए डोमेन नेम एक्सटेंशन, यानी कि जो डोमेन नेम होता है कोई वेबसाइट होती है www.google.com.in.gov, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो वेबसाइट में वो डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम कौन नहीं है। .mil ये मिलिट्री के लिए होता है, .org एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था के लिए होता है, .com ये भी कॉमर्शियल होती है, लेकिन जो .int है ये एक डोमेन नेम नहीं है। करेक्ट आंसर होगा int, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा, ये एक डोमेन नेम नहीं है। व्हाट डू यू आई नीड टू गेट इन टू द इंटरनेट, हमें जब इंटरनेट को यूज़ करना होता है तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती हैं। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, फिर मॉडेम, ब्राउज़र, ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, मॉडेम की भी ज़रूरत पड़ेगी, मॉडेम जो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए होता है, ब्राउज़र जो वेब पेज खोलने के लिए होता है, यानी कि इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। आउटलुक जो है मेल से संबंधित है और ये एक ईमेल क्लाइंट है। क्या है? ईमेल क्लाइंट, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ईमेल क्लाइंट, आउटलुक ईमेल से संबंधित है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इस तरह से और क्वेश्चन हम लाएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।